हमें कमजोरी क्यों महसूस होती है, अगर इस बात की जड़ को हम समझेंगे तो हम खुद अपना इलाज कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इलाज की कोई जरूरत ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि इलाज की जरूरत होती है जिससे कमजोरी महसूस होती है। आप डॉक्टर के पास गए होंगे, टॉनिक लिए होंगे, विटामिन के टैबलेट खाए होंगे, और जब तक आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं तब तक आपको कमजोरी शायद महसूस ना हो, लेकिन जैसे ही आप ये दवाई छोड़ते हैं आपको फिर से कमजोरी हो जाती है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी आखिर आप ऐसा क्या करके जड़ से आपकी कमजोरी दूर हो जाए बिना कोई दवाई लिए हुए। आप इसके रीजन को समझिए, जड़ को समझिए, आप खुद अपना इलाज कर सकते हैं। मैं हूं दीप्ति जायसवाल, मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो अक्सर लाते रहती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं क्यों कमजोरी महसूस होती है। मैं आपको यहाँ पे 3 उपाय बताऊंगी जिसे आप करेंगे तो आपकी कमजोरी जड़ से खत्म हो जाएगी, और एक भी उपाय में कोई दवाई नहीं है, ना ही कोई नुस्खा है, कोई नुस्खा नहीं है, कोई दवाई नहीं है, बस खाने का तरीका है। खाने का जो गलत तरीका होता है उसकी वजह से ही कमजोरी होती है, ये है कमजोरी का जड़। पहला गलती क्या करते हैं, पेट भर के खाते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ज्यादा खाने से तो ज्यादा ताकत मिलती है इसलिए पेट भर के खाते हैं, क्योंकि कमजोरी महसूस होती है तो पेट भर के नहीं खाएंगे तो ताकत कहाँ से मिलेगा। आप यही गलती करते हैं, पेट भर के खाते हैं। पेट भर के खाने से क्या होता है, एक जूस निकलता है जो खाने को डाइजेस्ट करती है, उस जूस को उस पेट में रहने के लिए स्पेस ही नहीं देते, इसलिए खाना सड़ जाता है, उसका पोषण आपको नहीं मिलता और आपको कमजोरी महसूस होती है। आपने पेट भर के खाया, मान लीजिए आपको भूख लगी, आपने 4 रोटी खाया और आपका पेट भर गया। अब उस 4 रोटी खाने से वो खाना तो पेट में है, जूस को जाने के लिए जगह नहीं मिला, खाना आपका पचेगा नहीं, पचेगा तो सड़ेगा तो आपको पोषण कहाँ से मिलेगा। तब क्या कर सकते हैं, इसके जगह 3 रोटी खा सकते हैं। इसका मतलब आप अपने पेट को स्पेस दीजिए, इतना स्पेस दीजिए कि वो जूस आपके पेट में जाए, और थोड़ा और स्पेस होना चाहिए ताकि खाने को मंथन कर सके। दूसरी गलती क्या करते हैं, हम वो खाना खाते हैं जो पूरी तरह से डाइजेस्ट ही नहीं होता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम वीक है और हम ऐसा खाते हैं कि जो डाइजेस्ट ना हो। यानी आप कटहल खा लिए, कटहल तो डाइजेस्ट होगा नहीं, आप अंकुरित चना खा लिए, उसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा समय लगता है, आप बादाम खाए, बादाम को भी डाइजेस्ट होने में ज़्यादा समय लगता है। तो ऐसे में आप वही खाइए जिसको डाइजेस्ट करने में कम समय लगे। जैसे मान लीजिए कि आप नाश्ते में अंकुरित चना लेते हैं, अंकुरित चना को डाइजेस्ट होने में काफी समय लगता है, तो वो डाइजेस्ट होगा नहीं, उसका पोषण आपको मिलेगा नहीं। उसी जगह अगर आप पका हुआ पपीता खाते हैं तो अंकुरित चना के मुकाबले पके हुए पपीता को डाइजेस्ट करने में कम समय लगता है, और वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसका पूरा पोषण आपको मिलेगा, तो ताकत भी मिलेगा। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम इतना वीक है कि पका हुआ पपीता भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो आपको उस पके हुए पपीता का भी पोषण नहीं मिलेगा, तब क्या करें। तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि आप अपना डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रांग बना सकते हैं, लेकिन एक दिन में डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग नहीं बनता है। आप अपने डाइजेशन सिस्टम को लोड मत दीजिए, आप उसको रेस्ट दीजिए, हील होने के लिए समय दीजिए। यानी कि जस्ट रात का जो डिनर करते हैं वो सोने के 4 घंटा पहले कीजिए, ताकि खाना आप जब तक सोने के लिए जाए तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और रात में इसको हीलिंग के लिए समय मिले। तो हीलिंग के लिए समय मिलता है, उस समय आपका पेट रेस्ट कर रहा होता है, तो उस समय आपका डाइजेशन सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि हर वक्त खाते रहते हमारा पेट हमेशा काम करते रहता है, तो ऐसे में हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, उसको रेस्ट भी नहीं देते, क्योंकि खाना खाएं और आधे घंटे में सोने चले गए। तो ऐसे में रात का जो डिनर होता है, या फिर हो सके तो शाम के समय आप डिनर कर लीजिए, सोने तक तब तक आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, और फिर जब आप रात को सोएंगे तो आपको पेट को आराम मिलेगा। तीसरा उपाय है 32 बार चबा चबा के खाना। क्या आप सच में 32 बार चबा चबा के खाते हैं? बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 32 बार चबा चबा के खाते हैं। जब आप 32 बार चबा चबा के खाएंगे तो आपका खाना मुंह में ही आधा डाइजेस्ट हो जाता है। इसका कारण है आपके मुंह में बनने वाला लार। हमारे जो मुंह में बनने वाला लार है वही खाने को डाइजेस्ट करता है। 32 बार चबाते हैं तो ज्यादा समय लगता है खाने को चबाने में, ऐसे में ज्यादा लार बनता है, और ज्यादा लार बनने की वजह से हमारा खाना आधा मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है और आधा काम पेट कर लेता है, ऐसे में पेट को कम लोड मिलता है। तो इसलिए आप जब भी खाना खाएं 32 बार चबा चबा के खाएं, ताकि आपका खाना मुंह में आधा डाइजेस्ट हो जाए और डाइजेशन सिस्टम में ज्यादा लोड ना पड़े। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम भी स्ट्रांग बनेगा, जो वीक है वो स्ट्रांग बन जाएगा। ये 3 उपाय है, 32 बार चबा चबा के खाना है, आपको वही खाना खाना है जो कम समय में डाइजेस्ट हो जाए,
और तीसरा, आप उतना ही खाना खाइए जितना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। आप ये तीन बात को फॉलो कीजिए, आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी, क्योंकि आप जो भी खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जा रहा है तो उसका पोषण आपको मिलेगा, और ऐसे में आपको कोई भी कमजोरी महसूस नहीं होगी और ना ही किसी टॉनिक को पीने की जरूरत होगी, ना ही कोई मेडिसिन खाने की जरूरत होगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, कमेंट में लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार।